ਹੈ ਜੁੜੋ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਥੋੜਾ सामने देखो फड़ा वाले वो फड़ी ली है भैया पता ही है माइक ले लो। आज जहां वार्ड नंबर 5 में मेडिकल कैंप लगाया गया है आयुष द्वारा, जो हमारा जम्मू कश्मीर का ओबीसी मोर्चा है जिसके प्रधान हमारे ब्रह्मजोत जी हैं और महामंत्री हमारे राजकुमार जी है, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर भी है और इनकी पूरी टीम और यहाँ के कॉर्पोरेटर हमारे ऑनरेबल गोपाल जी और ब्रह्मजोत जी की और ओबीसी मोर्चा की पूरी टीम या इस महला के महला निवासी भी सारे यहाँ आए हुए हैं। एक तो मेडिसिन भी ले रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसे कैंप पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, विशेषकर जम्मू शहर के अंदर हर वार्ड में, कई वार्डों में दो दो बार, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो कमज़ोर हैं या बीमार हैं या जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा ये आयुष की स्कीम चलाई गई है और घर घर हम ये मेडिसिन पहुँचा रहे हैं। ओबीसी मोर्चे का बहुत बड़ा काम है इसमें और जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में हमारा जो समाज है और ज़्यादा ओबीसी समाज है अदर बैकवर्ड क्लासेस का और ज़्यादा इनकी मेरा आइडिया 65% पूरे देश में अगर समाज है तो ओबीसी का समाज है। चार ही हमारे वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत और वैश्य, उनमें से ज़्यादा समाज है ब्राह्मण क्षत्रिय और राजपूत छोड़ के, बाकी सारा समाज हमारा ओबीसी समाज है। तो मेरा मैं बड़ा इनको बधाई देता हूँ, यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर को भी, गोपाल जी को भी, इन्होंने भी जो सहयोग किया है, यहाँ के जो हमारे मल्ला निवासी हैं जिन्होंने सहयोग किया है और ब्रह्मजोत जी जब से, इनको पहले भी बड़े एक्टिव थे लेकिन जब से इनको ये दायित्व मिला है ओबीसी का प्रेजिडेंट पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का, इनके साथ राजकुमार जी और इनकी पूरी टीम है, सबके नाम क्या गिनाऊँ, बड़ी मेहनत के साथ घर घर जाके हर किस्म की मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पीछे ड्राई राशन बांटा है, फूड पैकेट्स बांटे हैं और सैनिटाइजर बांटा है, मास्क बांटे हैं, बहुत काम, मतलब ये तब से लेके एक दिन भी चैन से नहीं बैठे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि शायद पूजा भी थोड़ी ये कम कर गए होंगे, तो 2-3 घंटे पूजा करते थे ये, तो इनकी पूरी टीम को अच्छा चला रहे हैं और आने वाले समय में और इस काम को तेज़ी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।